हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल खुर्शीद टेक्नोवाल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप HTC Pay में अपने किसी ATM के द्वारा पैसा लेते हैं तो कैसे लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे अगर HTC Pay में आप किसी ATM के द्वारा पैसा लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपना HTC Pay ओपन करना है। HTC Pay ओपन होने के बाद उसके बाद आपको पासकोड डालना है। पासपोर्ट डालने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा, जैसे दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी ATM कार्ड है, अगर आप उस कार्ड से पैसा इसमें डालना चाहते हैं तो कैसे आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 720 है। उसके बाद मैं अभी आपको इसमें पैसा ऐड करके किसी ATM के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, उसके लिए आपको ऐड मनी पे जाना है। ऐड मनी पे जाने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे जाना है डेबिट कार्ड पे। उसके बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। उसके बाद ऐड डेबिट कार्ड पे जाना है आपको। उसके बाद आपको जितना अमाउंट आपको ATM से लेना है आपको यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं 1900 डाल दिया। उसके बाद आपको नाम डालना है, नाम उसका होना चाहिए जिसके नाम से ATM कार्ड है। तो दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आप, मैं नाम डाल चुका हूँ इसमें। उसके बाद आपको और नीचे जाना है, यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है। जो ATM कार्ड 16 अंक का नंबर होता है, आपको उस नंबर को यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे एक ATM कार्ड आ रहा है, उसके बाद उसमें 16 अंक का नंबर है, वैसे ही आपके ATM पे भी होगा, उसको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद उसके नीचे आपको एक्सपायरी डेट डालना है ATM का। आपके ATM पे नीचे एक्सपायरी डेट होगा, उस एक्सपायरी डेट को यहाँ पे डालना है। उसके बाद CVV नंबर डालना है। CVV नंबर ATM के पीछे तरफ अपना ATM बाय करके आप पीछे तरफ देखिए, आपको तीन अंक का एक नंबर दिखेगा, वो आपका CVV नंबर है, उसको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे आपको ATM के पीछे एक CVV नंबर होगा, उसको ऐड करना है, तीन अंक का होगा। उसके बाद आपको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसको टच करना है। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद मेरे अमाउंट मेरे इसमें HTC Pay में आ चुका है। तो उसके बाद इसको डन करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी इसके पहले 720 था, अभी 2620 हो गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे मैसेज भी आ चुका है यहाँ पे। जैसे मैं आपको मैसेज ओपन करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन पे गया। उसके बाद ये नोटिफिकेशन को ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं अभी का टाइम दिख रहा है आपको, इतना पैसा मैंने ऐड किया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।